हेलो एवरीवन, मेरा नाम आफरीन है और आज मैं अपना दूसरा व्लॉग बना रही हूँ। ठीक है, ये अभी जो है 12 बज रहे हैं करीब। ठीक है, 12 बजने वाले हैं या बजे हैं मैंने टाइम ढंग से देखा नहीं है। और आज मुझे क्या क्या करना है, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 12 बजे पढ़ने के लिए बैठेगी, तो जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा जो है, मैं रात में तीन से चार बजे के बीच में सोती हूँ। तीन से चार बजे के बीच में सोने के बाद ही मैं सुबह 10-11 बजे उठती हूँ और फिर मुझे अपने थोड़े से घर के काम होते हैं वो निपटाने के बाद में मैं बैठती हूँ, तो 12 बजे से मैं फ्री होती हूँ। तो 12 से आप लगा लो रात के 3 से 4 बजे भी 15-16 घंटे का टाइम होता है मेरे पास में। ठीक है, मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाती इसलिए मेरा रात का ही बना हुआ है कि देखो अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से करना चाहिए। अब कोई है वो सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ जाता है तो वो अपने हिसाब से करता है, मैं लेट उठती हूँ तो लेट के हिसाब से मेरा। ये मेरी छोटी सी डायरी जिसमें मैंने लिखा हुआ है मुझे क्या क्या करना है आज, तो आप जाके मेरा जो है स्टार्ट होगा पढ़ना। ये मेरा छोटा सा स्टडी टेबल, मैं मतलब नीचे ज़मीन पर बैठकर ही पढ़ती हूँ, मुझे यहीं पे अच्छा लगता है। मैंने इसलिए अपने रूम में कोई ऐसे मतलब टेबल और चेयर तो है लेकिन टेबल ऐसे नहीं लगा रखी क्योंकि मुझे छोटे स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ना अच्छा लगता है। कभी यहाँ बैठो कभी वहाँ बैठो, इसलिए मैंने ये अरेंज कर रखा है। अभी जो है मुझे जितने भी लेक्चर्स देखने थे वो सारे लेक्चर्स मैंने देख लिए, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 लेक्चर्स देखती हूँ, तो मैंने जो है 3 लेक्चर थे वो देख लिए। अब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ, जो भी पुराने टॉपिक्स जो भी चीज़ें मैं भूल रही हूँ ना उनको रिकॉल करना बहुत ज़रूरी होता है और रिकॉल करने का बेस्ट मेथड है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अपने आप चीज़ें जो है रिकॉल हो जाती है, खाली थ्योरी लेके बैठने से कुछ नहीं होता। और साथ ही मुझे आप लोगों से ये भी पूछना था कि सिलेबस का जो काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पर भी दिखा रहे हैं कि सिलेबस कम हो गया नीट का, वो मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है, तो प्लीज़ आप लोगों में से किसी को भी अगर पता है एकदम कन्फर्म कि सिलेबस सच में जो है कट गया है रिड्यूस हो गया, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना। क्योंकि मैंने जो है बहुत से टीचर्स देखे जो बोल रहे हैं कि हाँ सिलेबस सच में कम हो गया, पर जो तरुण सर है उनकी मैंने वीडियो देखी तो उन्होंने मुझसे बोल रही हूँ, मतलब उन्होंने उस वीडियो में बोला कि आप जब तक ऑफिशियल कन्फर्मेशन आपके पास ना आ जाए आप इस चीज़ को मत मानना, तो इसीलिए मैं थोड़ा डाउट में पड़ गई। और मैंने भी वेबसाइट को देखा, चेक करके जाके वहाँ पे देखा तो मुझे जो है वो वेबसाइट जो है खुली नहीं रही थी, वो लिंक ही ओपन नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैं थोड़ा डाउट में हूँ। तो प्लीज़ आप सबको अगर पता है तो प्लीज़ मुझे बता दो सिलेबस का क्या सीन है। थैंक यू, और ऐसे ही मेरी वीडियो में बने रहो तो नहीं बोलूँगी, हाँ अगर आपका मन थोड़ा सा अगर आप डिमोटिवेट होते हो तो देख लो पूरा, बहुत ज़्यादा नहीं टाइम वेस्ट करना कहीं पे भी, ना किसी चैनल पे ना कहीं पे, क्योंकि टाइम वेस्ट करना तो बिल्कुल भी हम लोग इस टाइम पे अफोर्ड ही नहीं कर सकते। बाय। अब जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, लेक्चर भी देख लिया, तो एंड में काम बचता है वो एनसीईआरटी पढ़ने का, तो एनसीईआरटी भी पढ़ती हूँ साथ के साथ में। मेरा टारगेट है कि डेली जो है एक चैप्टर जो है कम से कम पढ़ लो और जो भी टोटल दोनों क्लास के जो एनसीईआरटी है उसको मुझे ख़त्म करना है। जस्ट रीड करती हूँ, रीड करने के साथ में काफ़ी सारी चीज़ें जो है रिकॉल हो जाती हैं, सो ये बेस्ट होता है, रीड ही करो, ये नहीं कि अब एकदम से रटने लग जाए। अगर आप 8-10